और लड़कियों तंग में जाती हैं तो उसको भी डर रहता है, कभी कोई रास्ते में कोई लड़का छेड़ लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, पूरी समस्या रहता है। हाँ, कई कई दिक्कत है और यह गाँव में तो रहना ही बेकार है। यू है कि बोलते हैं कि नेट से काम होएगा, अब दो घर में तो फोन है, दो घर में फोन नहीं है, कहाँ से फोन करेगा, किसके घर लड़की जाएगी। आज हम मेवात के सबसे बड़े गाँव सिंगार में मौजूद है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि लोग खड़े हुए हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं उनको जानते हैं, इनसे मिलते हैं, क्योंकि एक विकलांग यहाँ पर हैं। इधर कैमरामैन से जाऊँगा, अभी उनको कीचड़ में फिसलते हुए हमने देखा और कीचड़ में फिसलने के बाद उनको कुछ लोगों ने उठाया, उनसे भी उनका दर्द सुनेंगे। लेकिन पहले ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, आज कुछ ऐसे भाई साहब भी आज हमारे साथ हैं, आज उनका बेवजह मूड ऑफ भी है, उनका मूड ऑफ क्यों है वो भी जानते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। जी जी, क्या ये हमारा चाचा है और विकलांग है, ये बहुत ज्यादा परेशान है पानी की वजह से और बिजली की वजह से। वही है आप? हाँ, नहीं हम भी परेशान है, हमारा चाचा है ना, तो पूरी कॉलोनी परेशान है, 200 घरों की बस्ती है, और कम से कम 5-6 बच्चे इसके हैं, और सारे बच्चे छोटे बड़े बूढ़े जवान, और मतलब हमारी बहन माँ बहू, मतलब हर इंसान परेशान है। 200 बच्चों की मतलब इस कॉलोनी में 200 घर हैं, मतलब हर घर परेशान है पानी की वजह से। रास्ता बिल्कुल कच्चा है, देखो मतलब यहाँ 6-7 रास्ते हैं, 600 वोट भी हैं इसमें, और मतलब 800 वोट हैं इसमें, और कोई सुनवाई नहीं रही है सरपंच की तरफ से ना एमएलए की तरफ से, सब यहाँ आते हैं और झूठे वादे करके चले। पहली बात तो ये कि उनका कहना है कि यहाँ जो लोग रहते हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं है, जो यहाँ के रास्ते की बात हो या फिर यहाँ की पानी की बात हो, बिजली की बात हो, इन लोगों की साहब जो समस्या है साहब वो जस के तस है, कोई ना कोई यहाँ पर कोई भी अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। आज इनसे और भी जानते हैं। जी बाबा, सरपंच जो पार्टी बाज है, बहुत ज्यादा पार्टी बाज है, हमारी पार्टी की वजह से कहता है हमको वोट नहीं दी, हम नहीं बनवा, वोट नहीं दी तो हम आपका काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये सरपंच बोलते हैं। ये सरपंच बोलता है, क्या बात है। और क्या क्या समस्या है? हमारी ये रास्ता की समस्या सबसे पहले, बिजली आज 6 दिन हो गए, एक मतलब पहले ढोर पिसाए मर रहे, आज मिल को पानी नहीं है, जो हमारे बोर है पानी हमारे टोपा भी नहीं है, वाटर सप्लाई का जो लैन ही वापिस खुदवा दी इनने, वापिस खुदवा के है नहीं, और भाई हम नहीं जब सड़कों की साथ साथ आपकी पानी की समस्या भी। हाँ, पानी की समस्या भी। उससे पहले आप कहाँ कहाँ इसको लेकर आप गए हैं? हमें आपने दरवाजा खटखटाया, आपने हमने मतलब ऐसी एसडीएम एसडीएम के पास पहुँचे, बीडीओ के पास हम पहुँचे, जी जहाँ भी जगह हूँ सगले हमने पहुँच कर शिकायत करी, लेकिन आपका कोई काम नहीं? नहीं, हमारा कोई सुनाई नहीं, सवाल है निशान की उनका काम अभी। जी भाई, भाईजान बहुत ज्यादा खारी पानी है इसमें, और जो मीठा पानी है 2 किलोमीटर दूर जाके लाते हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बीवी हैं, हमारी माँ जिनकी उम्र 50-60 साल की हो चुकी है, वो पैदल जाती है 2 किलोमीटर दूर तक और वहाँ से पानी लाती है मीठा पानी, और जो यहाँ का खारी पानी है उनको भैंस भी नहीं पीती है, यानी कि पानी की समस्या है और उसी के साथ सड़कों की समस्या है। जी, दो बच्चा बारिश में गिर गया ऐसा। जी, ये हमारा जो रास्ता है ये कच्चा रास्ता है, जबकि सिंगार में जब सरपंच चुनाव हुआ था सबसे ज्यादा नजदीक मैं था सरपंच का, और मैंने वोट दी भी थी और दिलाई भी थी, जितनी मैंने हैंडीकेप होते हुए विकलांग होते हुए जितनी मैंने मेहनत की इतनी किसी ने नहीं की होगी, और फिर आज मेरा ही रास्ता है, आज कोई भी देख सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, मौके कोई भी देख सकता है। आज जो मतलब ये है कि मैं जब बारिश हो जाती है, आज उस बारिश में मैं गिर गिर के पड़ता हूँ, देखो देख मेरी क्या कंडीशन हो रही है, देखो सब बिल्कुल जनाब, अभी गिरा हूँ मैं यहाँ पे, बच्चों के और एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया और एक का पैर टूट गया, इस कीचड़ में रिपट के नहीं, आज भी कोई भी मौके पर देख सकता है, हमारा आज तक किसी ने कोई काम ना करवाया सरपंच ने मौके पे जो है फिलहाल, जितनी मरतबा गए सरपंच, और सरपंच के पास जब हम गए हैं तो हमें मतलब यही कहता है कि 2-4 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, आज 5 साल पूरे होने वाले, हमारा अभी तक कोई काम हुआ नहीं, नहीं कोई पानी लाइन का काम, नहीं कोई रास्ते का काम, जिसका क्यों होगा क्यों होगा, जब हमारा ही नहीं किया तो किसी का नहीं किया, सीधी बात। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता पक्का किया जाए, और एक हमारे महल्ले में मतलब एक सबसे समस्या ये है कि पीने के पानी की, हम विकलांग आदमी हम 2 किलोमीटर दूर कहाँ जाएंगे, हम अपने आप पर कैसे कैसे लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल है, और हमारे इतने बच्चे भी हैं छोटे बड़े, पिसाए मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भूखे इतना मर रहे हैं कि ना पीन लो पानी, ना रोटी, ना कैसे खावा आदमी जब पानी ना हो तो। हाँ, जानवर भैंस बकरी सब पिसाए मर रहे हैं, पीन लो पानी नहीं, कुआं मुखे देख सको, कुआं में पानी नहीं, लाइन सारी खुदी पड़ी है,
अभी तक कोई लेन चालू नहीं है। अब सब पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मतलब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने पर उसमें फिर रोक लगा दी गई, पता नहीं किसने लगा दी, मैं या ना कह सकूं। फिर मेरा काम अध भरल पानी के लेन का आज तक भी नहीं पड़ा अधूरा। सारी कलोनी मतलब पिसाई मर गई, ये मोहल्ला सिंगार गांव में देड़वाड़ महल्ला जी, तिरवाड़े रास्ते पे, तिरवाड़े रास्ते कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, मौके पे कोई भी देख सकता है। यानी कि आपकी नहीं तो यहाँ पर ये पानी है ही नहीं, सड़कें तो बिल्कुल ना कोई पानी है नहीं कोई, अभी तीन दिन से लाइट ना आ रही, तीन दिन से लाइट ना आ रही, बाढ़ रो रहे हैं, मर रहे हैं, बुखार में परेशान, मच्छर खा रहे हैं, डेंगू हो रहा, कुछ हो रहा, मच्छर काट काट इनके, छह दिन पांच छह दिन लाइट हो गया, लाइट नहीं आ रही, पी लो पानी नहीं, पानी की समस्या को लेकर कुछ माता बहने भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। समझता जी पानी नहीं है नंबर पहले तो यहाँ पर, और पैदल पैदल 2 किलोमीटर दूर जाके पानी लाते हैं, और लड़कियों संग में जाती हैं तो उसको भी डर रहता है, कभी कोई रास्ते में कोई लड़का छेड़ लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, पूरी समस्या रहता है। हाँ कई कई दिक्कत है, और नहीं रास्ता बना हुआ इधर में कुछ नहीं है, और ढोर भी पिसाया है, 5 दिन से लाइट ना हारी इधर में, और यही समस्या है। और तीसरी समस्या ये है कि बच्चा की पढ़ाई ना हो रही है सरकारी स्कूल में, ना कोई फोन है ना कोई कुछ है, कैसी भी कोई समस्या ना है गांव में, और तो यह गांव में तो रहना ही बेकार है, स्कूल सब बंद है, लेकिन जो आपकी समस्या है, समस्या यू है कि बोलते हैं कि नेट से काम होएगा, अब दो घर में तो फोन है, दो घर में फोन नहीं है, कहां से फोन करेगा, किसके घर लड़की जाएगी, भी सरकार कोई ना कोई सुझाव निकालेगी, सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन बात आज जल और सड़कों की थी, सड़कों की भी है और जल की भी है, बच्चों की भी जरूरी है, बिल्कुल हाँ तीनों काम जरूरी है जी। इन लोगों का भाई साहब क्या कहना जी? सर मुझे ये कहना है, हमारे कॉलोनी के अंदर दो दो मस्जिदें हैं, वजू के लिए पानी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है, 5 दिन हो गए लाइट को गए, अभी तक लाइट फटकी नहीं है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, अब बताओ वजू कहाँ से बनाए, हम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है हमको, बहुत ज्यादा समस्या है भाई, हमारी समस्या को हल करो। देखो ये चीज करीब 200 फुट के बीच का ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं बना है, लेकिन उसके साथ जो उसे लगा हुआ है, जो टच में जो रास्ता है, वो मेन रास्ता वो बना दिया गया है, कहीं ना कहीं लोगों का जो कहना है जी, क्या वजह मानते हैं जो आज आपके ये रास्ता छूटा हुआ है? ये सिर्फ पार्टी बंदी का है जी, आप ये देखो हमारा रास्ता है, ये बाकी रास्ता बना हुआ है, 100 फुट का रास्ता हमारा इसीलिए छोड़ा है, हम ये गाँव में नहीं लेते, हम चीन में लगते हैं, या तो इस गांव से नहीं है, या पाकिस्तान में लगते होंगे, इस पंचायत में नहीं है हम, इसलिए हमारा रास्ता छोड़ दिया गया, दूसरा रास्ता बना हुआ, आप देख सकते हो ना वीडियो में, बिल्कुल वो हमने भी देखा कि यहाँ पर रास्ते की कहीं ना कहीं जो दूसरा रास्ता है वो बना दिया गया है, पक्षपात इन लोगों का कहना, पक्षपात का ये है कि जो दूसरे उन लोगों की भैंसे भी टैलों पे बन रही है, जो दूसरे हैं, हमारी बिल्कुल काके उस पे बंधी हुई है, पैरों के नीचे देख तो अंधेरा हो, देख किचन में, उनका कहना है कि कुछ लोगों के जो पशु होते हैं उनके लिए भी टैल है, लेकिन हमारे पैरों के लिए भी टैल नहीं है, कहीं ना कहीं सरपंच यहाँ के जो पंचायत के मुखिया है उन्होंने पक्षपात किया है, लोगों का कहना है कि हमारे साथ पक्षपात किया गया है। भाई साहब थोड़ा जी भाई साहब, सर हमारे यहाँ पे तीन समस्याएं हैं, नंबर एक रास्ता, बिजली और पानी, हम रास्ते को लेके चलते हैं, रास्ता आप लोगों ने देखा है कि उन लोगों के आपने वीडियो बनाई है, उनके भैंसों जानवरों के नीचे भी टाइल्स बिछे हुए हैं, और हमारे यहाँ पैरों के नीचे भी नहीं है। दूसरा हम लेते हैं पानी की समस्या, पानी में हमारे यहाँ पे लाइन बिछ गई थी, पूरे गाँव में सिर्फ इस मोहल्ले को छोड़कर पूरे गाँव में पानी आ रहा है, लेकिन हमारे महल्ले में पानी नहीं है। अब पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक नई समस्या आई है, एक हफ्ते से कि गांव में उधर लाइट है इधर लाइट नहीं है, ये पक्षपात किया जा रहा सरपंच की ओर से। तो सर हम आपके चैनल के माध्यम से इस सिस्टम को, ये हमारा काम हो जाए और बस सब सुकून मिल जाए यहाँ पे। बिल्कुल सभी लोगों की एक ही बात है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो पंचायत के मुखिया रहे हैं इन लोगों को निशाना बनाया है और इनके साथ पक्षपात किया गया है, इन लोगों का कहना है, क्योंकि देख सकते हैं कि एक सड़क यहाँ से बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों के पशुओं के नीचे भी टाइल्स हैं, लेकिन इन लोगों के पैरों के नीचे नहीं है, सड़क के नहीं है, एक विकलांग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो साधन है जिससे वो आ रहे थे वो भी वहाँ से फिसल गया था। तो सवाल है निशान, क्या वाकई में इन लोगों की जो आज समस्या है वो बन पाएगी, क्योंकि वो दौर है जब जो पंचायती चुनाव का
जोर शोर से लोग आएंगे, इनसे वादे किए जाएंगे, लेकिन फिर जस के तस इनकी समस्याएं ऐसे कैसे हैं। 5 साल के बाद भी इन लोगों की समस्या जस के तस बनी हुई है, क्योंकि इनसे वादे तो किए गए लेकिन इनसे वोट तो लिए गए लेकिन काम नहीं किए गए यहाँ पर देखने को मिला। और ये मेवात के सबसे बड़े गांव सिंगार के हालात हैं, और सिंगार से जो त्रिवाड़ा गांव के लिए जो सड़क जाता है उस पर जो कॉलोनी रहती है उनमें सभी के जो रास्ते हैं, बिजली पानी ये सारी समस्या जस के तस है। सवाल इंसान, क्या वाकई में जल्द से जल्द प्रशासन कहीं ना कहीं ढील करता हुआ नजर आया है? क्या इन लोगों की समस्याओं को सुनकर जल्दी से इनके रास्ते और बिजली और पानी की समस्या की सुविधा कराई जाएगी? इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर हमारी समस्या को नहीं सुना जाता है और यहाँ पर प्रशासन सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है तो हम सड़क को जाम करने का भी उन लोगों ने ठान लिया है। बनरिया आप हमारे साथ, कैमरामैन सरफराज जी के साथ, डीटीवी न्यूज से, मैं आपको अपने जी को धन्यवाद।